जय यमुनोत्री मैया की। जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में हरिद्वार से लेकर बरकुट तक की पूरी यात्रा की जानकारी दी थी, अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारी ओर से आप सभी को शुभ प्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम हमारी दूसरे दिन की यात्रा बरकोट से शुरू करेंगे। सुबह का नाश्ता करके हम निकल चुके हैं यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए। तो बरकोट से 8 किलोमीटर आगे ही यहाँ एक प्राचीन माँ गंगा का मंदिर और तालाब आया हुआ है, जिसका नाम है गंगाणी मंदिर। अभी हम मंदिर के दर्शन करने यहाँ आए हुए हैं और माँ गंगा के दर्शन करके अब हम वापस निकल चुके हैं यमुनोत्री मंदिर की ओर। तो लीजिए, स्याना चट्टी और राणा चट्टी को पार करते हुए और 45 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए हैं जानकी चट्टी। हम अपनी गाड़ी जानकी चट्टी तक ही ले जा सकते हैं, तो हम अपनी गाड़ी जानकी चट्टी पर ही पार्क कर देंगे, जहां पे बहुत बड़ा पार्किंग है, और यहां से यमुनोत्री धाम तक पैदल यात्रा करेंगे। यमुनोत्री मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है और जानकी चट्टी का ट्रैक सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहता है, तो हमें समय का पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। पर ट्रैक शुरू करने से पहले हम खाना खा लेंगे, क्योंकि ट्रैक के दौरान कहीं पर भी खाना नहीं मिलेगा, तो बेहतर यही होगा कि हम खाना खा के ही अपनी ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तो अब ट्रैक तकरीबन 5 किलोमीटर का होता है और बीच में कई मुश्किलें भी आ सकती है, जैसे कि बारिश आना, भूख लगना और तो और मौसम के कारण हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इसलिए हमने बारिश से बचने के लिए रेनकोट और छाता साथ रखा है, भूख लगे तो कुछ नाश्ता भी रख लिया है और कुछ ज़रूरी दवाएं भी हमने साथ में ले ली है। तो जानकी चट्टी से 2 घंटे का ट्रैक करके अब हम पहुँच गए हैं यमुनोत्री धाम। अब हम यमुनोत्री धाम में दर्शन करके यहाँ पे पूजा भी करेंगे। आप भी अपनी पूजा की बुकिंग yatradham.org की वेबसाइट या ऐप पर जाकर कर सकते हैं। और यमुनोत्री मंदिर से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे सप्तऋषि कुंड आया हुआ है, तो अगर आप सप्तऋषि कुंड जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो अभी यमुनोत्री मंदिर के दर्शन करके और 2 घंटे का ट्रैक करके वापस हम पहुँच चुके हैं जानकी चट्टी में, और जानकी चट्टी से हम अभी अपनी गाड़ी लेकर निकल जाएंगे गंगोत्री धाम की यात्रा पर। तो यात्रा के वक्त बरकोट से लगभग 35 किलोमीटर आगे ही एक शिव गुफा है, जहां हम जाने वाले हैं। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं शिव गुफा पर। दूर दूर से लोग इस गुफा के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो शिव गुफा देखने के बाद अब हम तकरीबन 35 किलोमीटर की यात्रा करके पहुँच जाते हैं डूंडा में, मतलब जानकी चट्टी से डूंडा पहुंचने में हमें तकरीबन लग जाते हैं 4 घंटे और डूंडा गंगोत्री धाम से लगभग 114 किलोमीटर दूर है। तो डूंडा पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाएगी, तो हम अपना रात का विश्राम डूंडा में ही करेंगे। ज्यादातर लोग गंगोत्री धाम की यात्रा करते समय हर्षिल, उत्तरकाशी या तो गंगोत्री में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि वह गंगोत्री मंदिर से नज़दीक पड़ता है और गंगोत्री मंदिर के नज़दीक होने के कारण वहां पर हमेशा लोगों को रहने के लिए होटल और धर्मशाला कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए हम डूंडा में रुकेंगे ताकि हमें आवास के लिए दिक्कत ना हो। पर आप फिक्र मत कीजिए, हमने आपके लिए डूंडा, उत्तरकाशी, हर्षिल और गंगोत्री में आवास की ऑनलाइन बुकिंग और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसकी बुकिंग भी आप अपने yatradham.org की ऐप या तो वेबसाइट से कर सकते हैं। तो डूंडा में अपना आवास बुक करने के बाद हम डूंडा में भोजन करेंगे और फिर अपने आवास में विश्राम के लिए लौटेंगे। हमारी ओर से आप सभी को शुभरात्रि। कल से गंगोत्री के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अगले वीडियो में हम पहुंचेंगे गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम तक कैसे पहुंचेंगे और कहां रुकना है वो सब जानकारी देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और घर बैठे 4 धाम यात्रा की पूरी जानकारी के साथ दर्शन का भी आनंद लें।
और अगर आपने अभी तक यात्रा धाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी समय पर मिलती रहेगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।